एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एस्प्रा फाउंडेशन की तरफ से पुलिस लाइन में लगाया गया निशुल्क वाटर प्लांट का लोकार्पण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि एस्प्रा फाउंडेशन की तरफ से जगह जगह वाटर कूलर लगवाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ जल मिल सके। इससे पूर्व पुलिस ऑफिस में भी पुलिस कर्मियों और वहां पर आने वाले आगंतुकों के लिए आरओ प्लांट का उद्घाटन किया गया था, जिसको देखते हुए पुलिस लाइन में वाटर प्लांट का आज उद्घाटन हुआ है। क्योंकि यहां पर पुलिसकर्मी निवास करते हैं और यहां पर पब्लिक का आवागमन रहता है, उनकी सुविधा के लिए यहां पर आरओ प्लांट लगाया गया है, जिसके लिए सभी पुलिसकर्मियों की तरफ से एस्प्रा फाउंडेशन का धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व एस्प्रा फाउंडेशन के संरक्षक अतुल सर्राफ ने कहा, देखिए जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि एस्प्रा फाउंडेशन द्वारा जनपद में जगह जगह पर स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आरओज लगाए जाते हैं। इससे पूर्व भी पुलिस ऑफिस में भी पुलिस कर्मियों और वहाँ पे आने वाले आगंतुकों और जो हमारे वहाँ पे कंप्लेनेंट्स आते हैं, आम जनता आती है, उनकी सुविधा के लिए वहाँ पर आरओ प्लांट का उद्घाटन किया गया था। इसी के चलते आज यहाँ पुलिस लाइन में, जहाँ पर कि हमारे पुलिसकर्मी निवास करते हैं, पब्लिक का भी आना रहता है और भी कई कार्यक्रम होते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए आज यहाँ एक आरओ प्लांट उनके सौजन्य से यहाँ पर लगाया गया, जिसका उद्घाटन हुआ है। मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से एस्प्रा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी समाज को सहयोग करने के, समाज सेवा करने के जो भी कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं कार्य, वो और भी आगे किए जाएंगे और आम जनता को इसी तरह से सुविधा देते रहेंगे। हम लोग का उद्देश्य यह है कि वाटर कूलर उस स्थान पर लगाया जाए जहाँ पर वास्तव में उसकी आवश्यकता है। और ग्रोवर सर के बताए अनुसार जैसे यहाँ पर इतने सारे परिवार रहते हैं तो उनके हिसाब से स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता थी, तो इनके डायरेक्शन पे हम लोगों ने यह यहाँ पे इंस्टॉल किया है और मुझे लगता है कि काफी लोग इसका लाभ उठाएंगे। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने महिला थाना व पुलिस कंट्रोल रूम के चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि बजट के अनुरक्षण के लिए शासन से प्राप्त होता है, उसमें जो कार्य गोरखपुर में किए जा रहे हैं जिसमें विभिन्न थाने और कार्यालय शामिल हैं, उसी क्रम में जो परिवार परामर्श केंद्र है वहां पर काफी पब्लिक आती है और महिला थाना जहां पर अक्सर भारी संख्या में फैमिली आती है, उनको बैठने की व्यवस्था अच्छी हो और पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, जिसके लिए अनुरक्षण का बजट आवंटित किया गया था, जिसके कार्य चल रहे हैं उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया है, उसको भी मॉडल लुक देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए पहले से बजट आवंटित किया गया था, जिसके कार्यों का निरीक्षण किया गया है और कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर सीओ कैंट अंशिका वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जो बजट हमको अनुरक्षण के लिए मुख्यालय और शासन से प्राप्त होता है, उसमें जो जो कार्य जनपद गोरखपुर में किए जा रहे हैं अनुरक्षण के, विभिन्न कार्य विभिन्न थानों में कार्यालयों में, उसी के चलते जो परिवार परामर्श केंद्र है जहाँ की काफ़ी पब्लिक पर डे आती है, उसके साथ जो महिला थाना है जहाँ पर अक्सर फैमिलीज़ आती हैं, उनके परिवारीजन आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो और बाकी सारी सुविधाएँ हों, उसके लिए अनुरक्षण का बजट अलॉट किया गया था, जिसके कार्य चल रहे हैं उसी का निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है जहां पर डायल 112 का भी कंट्रोल रूम है, उसको भी मॉडर्न लुक देने के लिए, उसमें भी जो रिपेयर वर्क्स हैं जिसके लिए बजट ऑलरेडी अलॉट किया गया था, जो चल रहे अनुरक्षण है उसका आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। यही निर्देश दिए गए हैं कि समय से गुणवत्तापूर्वक इस कार्य को पूरा किया जाए और एक अच्छी फीलिंग जो है, जो पब्लिक जहाँ पे आती है उनको अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर होराइजन की अध्यक्ष दीपाली अग्रवाल ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फागुन मेला का आयोजन 2 मार्च को कराने जा रहा है। दिव्यांगों को समर्पित इस मेले का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। मेले के अंतर्गत महिलाएं जो कि घर से काम करती हैं उनके द्वारा अपने स्टॉल लगाए जाते हैं, जिससे कि महिलाओं का आत्मबल एवं स्वावलंबन बढ़े। मेले में उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से महिलाएं कपड़े, ज्वेलरी, सज सजावट एवं तरह तरह के घरेलू उत्पादों का स्टॉल लगाती हैं, जिसका आयोजन गोरखपुर क्लब में होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर होराइजन की अध्यक्ष दीपाली अग्रवाल ने कहा, जो हमारा 2 मार्च को मेला लग रहा है इनर व्हील होराइजन क्लब का, उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। कौन कौन लोग आएंगे और कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? इसमें हमारे मेयर साहब हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, उद्घाटन करेंगे। हमारी सीईओ आईपीएस ऑफिसर अंशिका वर्मा जी आएंगी और इनर व्हील होराइजन इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मधु कमानी जी आएंगी। कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं मैडम, क्या क्या लोगों को मिलेगा देखने के लिए?
यहाँ पे हमारे मेले में आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए, हैंडमेड आइटम्स मिलेंगे, गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। ये मेला होली के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसमें कपड़ों के स्टॉल हैं, फूड है, गेम्स हैं, बच्चे लोग हैं जो वो गेम्स के स्टॉल लगा रहे हैं हमारे। मेला हमारा एक दिन का ही है, 2 मार्च का ही है। हर साल लगता है? हाँ जी, हमारा ये मेला हर साल लगता है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? कि वो लोग आएं और हमारे जो मेंबर्स या जो हमारे बाहर से लोग आके मेला लगा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें। जो महिलाएं घर से काम कर रही हैं, ये हम लोग उनको प्लेटफॉर्म एक दे रहे हैं कि वो यहाँ आके अपना कार्य स्टॉल लगाएं। हम अध्यक्ष दीपाली अग्रवाल हैं। वन विभाग की कॉमन फैसिलिटी सेंटर की महिलाओं ने बांस से गोरखनाथ मंदिर का प्रारूप बनाया, जिसके संबंध में DFO विकास यादव ने बताया कि हमारे यहां पर नेशनल बैंबू मिशन के तहत एक कंपियरगंज के लक्ष्मीपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया है। वहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बांस के अलग अलग उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उसी क्रम में महिलाओं के द्वारा बांस से गोरखनाथ मंदिर का प्रारूप तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर बना है। वहां की महिलाओं के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। हम लोग छोटे मंदिर भी बना रहे हैं, जिससे लोग भेंट के रूप में दे सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO विकास यादव ने कहा, देखिए हमारे यहाँ पर नेशनल बैंबू मिशन के तहत एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित है, जो कि कैंपियरगंज के लक्ष्मीपुर गांव में है। और वहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बांस के अलग अलग उत्पाद बनाए जा रहे हैं, इसी क्रम में बांस का मंदिर हम लोगों ने बनाया है। श्री गोरखनाथ मंदिर जो बांस का बना हुआ है, उसकी छवि आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रयास वहाँ की महिलाओं द्वारा किया गया है। अब हमारा मकसद है कि जो बहुत आयोजन में हम लोग काम लेते हैं, किसी को एक भेंट स्वरूप देना होता है, इसमें हम लोग जो है इसकी अभी जो बना है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक छोटे साइज का भी एक मंदिर बनाया जाए, ताकि वो जो है लोग आसानी से इस्तेमाल कर पाए। वन विभाग के कैंपियरगंज की कॉमन फैसिलिटी सेंटर की महिलाओं के द्वारा राम मंदिर का प्रारूप बनाया जाएगा, जिसके संबंध में DFO विकास यादव ने बताया कि अब जल्द ही महिलाओं के द्वारा राम मंदिर का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए महिलाओं ने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है, बनने के बाद मुख्यमंत्री को भेंट किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO विकास यादव ने कहा, श्री राम मंदिर का भी एक परिकल्पना तैयार कर और उसका भी एक जो है प्रारूप हम लोग बनाए, और जल्दी महिलाओं ने वहाँ काम भी प्रारंभ कर दिया है। जल्दी ही मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में श्री राम मंदिर भी जो बांस का पूर्णतः बना होगा हम लोग को प्राप्त होगा। और जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है, उसी के तहत स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं द्वारा ही माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भेंट भी किया जाए।